आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अडानी को लेकर देश की सियासत में मचे घमासान की, क्योंकि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की कार्रवाई रूल 223 के तहत शुरू करने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने स्पीकर पत्र में लिखा कि कल राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बिना पीएम मोदी के खिलाफ पर जो आरोप लगाए हैं उनसे संबंधित प्रमाण सदन में नहीं रखे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो निशिकांत दुबे ने ये आरोप इस पत्र में लगाए हैं कि बिना प्रमाण दिए राहुल गांधी ने तमाम आरोप पीएम मोदी पर लगाए। सीधे तौर पर कई आरोप अपने सदन में दिए गए बयान में राहुल गांधी ने लगाए हैं, लेकिन इस बीच निशिकांत दुबे का यह आरोप कि सबूत लाएं उसके बाद इस तरीके के गंभीर आरोप लगाएं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया, नियम था, देयर वाज अ रूल दैट एनीबॉडी हु डज नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट्स कैन नॉट be involved in development of these airports. Rule tha ki agar koi airport business mein nahi tha to wo in airports ko le nahi sakta tha. Is rule ko Hindustan ki sarkar ne badla, to ye rule badla gaya. Us samay media mein iske bare mein charcha hui thi. रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबी के उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर, किस रूल के आधार पर ये, इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबी के को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को, जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन जिस तरीके से आपने अब ये पत्र लिखा है, साफ तौर पर प्रमाण मांगे हैं, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी इतने बड़े पटल पर बोल रहे थे प्रमाण और साक्ष्य के साथ मौजूद रहना चाहिए था और अपनी बात को बल देना चाहिए था उसी के द्वारा? देखिए, जब झूठ कोई बोलता है तो उसके पास साक्ष्य कहां से होगा? राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी कंप्लीट झूठ बोल रही थी और पार्लियामेंट का नियम है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी लोकसभा के सदस्य हैं, आप किसी भी एक कलीग के बारे में, यदि किसी संसद सदस्य के बारे में आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको नोटिस देना है, आपको ऑथेंटिकेट करके पेपर देना है स्पीकर को, स्पीकर यदि सेटिस्फाइड है तो आपको बोलने की इजाजत मिलेगी। उनका फोरम ऐसा नहीं है कि यदि आपको कोई लिबर्टी मिली हुई है बोलने की, राइट ऑफ स्पीच की, तो आप किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दें। इसीलिए मैंने प्रिविलेज किया है कि, और मैंने लोकसभा स्पीकर से रिक्वेस्ट किया है कि आप जितने भी एलिगेशन राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं वो सारे पेपर ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको कहिए, क्योंकि एक भी आरोप ऐसा नहीं है जिसमें कि लेस मात्र भी सच्चाई है, वो झूठ का पुलिंदा है और वो ऑथेंटिकेट यदि नहीं करेंगे तो उनके ऊपर प्रिविलेज चलेगा। पूरा देश कल निशिकांत जी राहुल गांधी को सुन रहा था, उन्होंने तमाम आरोप एयरपोर्ट आवंटन को लेकर और अन्य आवंटन को लेकर लगाए कि सरकार ने इसमें धांधली की है, अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया है, किस तरीके से उनका जो दौलत थी वो बढ़ गई। हालांकि अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अडानी ग्रुप की जो इनकम थी वो कांग्रेस के राज में ही बढ़ना शुरू हो गई थी। मैंने यही बात तो कहा और मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं कि 50 लाख की एक कंपनी फॉर्म होती है राहुल गांधी और उसमें 90 करोड़ रुपया, हेलो जी,
उसमें 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी से जो है जो आम आदमी का चंदा है वो चला जाता है नेशनल हेराल्ड को खरीदने के लिए। आपने कभी देखा है कि 50 लाख की इक्विटी पर 90 करोड़ का लोन मिल सकता है? ये तो 2000% बढ़ गई ना कंपनी। यदि अडानी की वो बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि उसकी संपत्ति 100 गुना बढ़ी, उसकी संपत्ति 50 गुना बढ़ी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये मॉडल कहाँ से सीखा उन्होंने? ये मॉडल अभी से तो सीखा। आपकी का तो मॉडल है कि आप 2000 गुना जो है तुरंत 1 महीने के अंदर जो है प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हो। तो सवाल ये है, इवन आप देखिएगा, मैं अभी देख रहा था क्लिपिंग, हमारे जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर साहब, डिफेंस मिनिस्टर, वो जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो 2017-18 का उनका, निशिकांत जी, उनके कौन कौन से आरोपों पर आपको आपत्ति है? और दूसरा सवाल आपसे ये कि जब आपने नेशनल हेराल्ड के आरोप लगाए थे, आपके पास तमाम प्रमाण मौजूद थे? मैंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मैं सारे पेपर जो मैं आरोप लगा रहा हूँ सब ऑथेंटिकेट करूंगा। मेरे से कोई भी सवाल पूछे मैं सारे पेपर ऑथेंटिकेट करूंगा। डीएमआर और जीवीके को एयरपोर्ट बनाने का कोई अनुभव नहीं था जब 2005 में दिया गया। और आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि कानून चेंज कर दिया, ये कानून बना कब था, किसने बनाया था? पूरी दुनिया में यदि ये बता दे कि जीएमआर और जीवीके को एयरपोर्ट बनाने का जो है कोई एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कहा कि अडानी जी यदि एक भी दिन प्रधानमंत्री जी के साथ उनके प्लेन में ट्रेवल किए होंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कहा दूसरे की तो बात पड़ी, यदि मैं बोल रहा हूं तो वहां इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर बोल रहा हूं, और यदि मुझे कोई एलिगेशन लगाना होगा तो मैंने तो एलिगेशन लगाए। मैंने कहा 12 ब्रांसन स्क्वायर में रॉबर्ट वाड्रा का है फ्लैट, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करके दे दू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मेरी सहयोगी सुप्रिया इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सुप्रिया, आपके साथ मेरी जानकारी के अनुसार प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे पूछिए सीधे तौर पर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है क्यों नहीं राहुल गांधी कल साक्ष्यों के साथ मौजूद थे, क्यों एक के बाद एक वो एलिगेशन और तमाम आरोप प्रधानमंत्री के खिलाफ लगा रहे थे, एक ग्रुप से उनको जोड़कर देख रहे थे और ये कह रहे थे कि लगातार अडानी ग्रुप को फायदा प्रधानमंत्री की ओर से पहुंचाया जा रहा है। अरे आपको एलिगेशन लगाना था, साक्ष्य लेकर आते। नेहा, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास जो राहुल गांधी ने कहा है उसका सारा प्रूफ है और जेपीसी की प्रोब कराई जाए, हम सब कुछ वहां पर देंगे। एक तो चीज ये है, उन्होंने कहा कि इतना सीनियर वरिष्ठ जो एमपी हैं उनके, वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो साक्ष्यों के साथ ही बोल रहे थे। मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं जो थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, हम निशिकांत दुबे जी को भी सुन रहे थे। सर, सबसे पहले आपको क्या कहना है जो निशिकांत दुबे जी ने कहा है? उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के साथ जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है उसका नोटिस लेटर जो है वो लोकसभा के स्पीकर को दिया है, आपको क्या कहना है? राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है वो सदन के फ्लोर पे कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है, स्पीकर की जिम्मेदारी है, उन्होंने परमिट किया, उन्होंने कहा है, और हमने जो कुछ भी कहा है सारे के साक्ष्य हैं और हम इसे सही समय पर सक्षम अधिकारी को देंगे। अगर इतनी हिम्मत है मेरी चुनौती स्वीकार करो और जेपीसी की जांच करा दो, हम वहां सारे साक्ष्य दे देंगे या चीफ जस्टिस के अंतर्गत ये चुनौती अगर स्वीकार हो तो उतर आए भाजपा। लेकिन हम कहते थे कि जब आरोप अडानी पे लगेगा तो भाजपा उतर आएगी अपनी हिफाजत में उनके। देखिए, नंबर दो से वो पहुंचे, नंबर दो पे वो पहुंचे हैं कहां से? 600 के ऊपर रैंक। उनको मदद किसने की? सरकारी संसाधनों ने, स्टेट बैंक ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। है हिम्मत तो इनकार करे, और फिर छाती ठोक के एक चुनौती है राजनीति में कि अगर हिम्मत है तो जेपीसी की जांच कराओ, वहां हम जवाब दे देंगे। घबराते क्यों जा से? और जब हम देश के लूटने वाले धन का हिसाब अडानी से मांगते हैं तो आप सब, जिनके बारे में सबको मालूम है कि पूंजीपतियों की हिफाजत करने में आगे रहते हैं, वो क्यों आगे आ रहे हैं? ठीक है, लग गया ना तीर सही निशाने पर। भारत की 130 करोड़ जनता की
कमाई को हम लुटने नहीं देंगे। ठीक है सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और प्रमोद तिवारी से बातचीत करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मदद ने अडानी के लिए मैजिक का काम किया और वो दूसरे नंबर के अमीर उद्योगपति बन गए। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी का मुद्दा उठाकर राहुल पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में अस्पताल के नाम पर 40 एकड़ जमीन सिर्फ 623 रुपए के किराए पर 3 साल तक के लिए ली गई, लेकिन वहां गांधी परिवार का गेस्ट हाउस बना दिया। जिन्होंने आज इस सदन में आरोप मढ़ा वो बताएं कि 40 एकड़ भूमि पर आज भी 623 रुपए क्यों देते हैं, वो भूमि छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को वो भूमि लौटाते क्यों नहीं। जिन्होंने आज इस सदन पर कटाक्षों की लहर गिना दी उनसे पूछती हूं, सम्राट साइकिल अमेठी के किसानों की जमीन आज भी क्यों उस खानदान ने हड़पी है, लौटाते क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। लेकिन ये मात्र जमीनों की बात नहीं है महोदय, कुछ और तथ्य हैं जो इनको शर्मसार करेंगे। जहां 50 साल एक खानदान ने प्रतिनिधि बनकर इस देश की संवैधानिक स्थानों पर कुर्सियों पर हक जताया, उन लोगों का उन्होंने क्या हश्र किया आज मैं बताना चाहती हूं। चुनाव को लेकर आप बीजेपी में सियासी भिड़ंत जारी है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि बीजेपी गैर कानूनी तरीके से मनोनीत सदस्यों से वोटिंग कराना चाहती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आप जानबूझकर दिल्ली में मेयर नहीं बनने दे रही। एमसीडी चुनाव के परिणाम आए 2 महीने बीत गए हैं, मगर दोनों तरफ से मोर्चेबंदी जस का तस है, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है, दोनों तरफ से तख्तियां उछाली जा रही हैं, दोनों तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव को लेकर घमासान बढ़ गया है, बात सदन से निकलकर सड़क तक आ गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। जिस तरीके से तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो तो मेयर का चुनाव चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हंगामा करके हर बार बैठक में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना देती है कि सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा, देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि 3 बार तक एमसीडी में मेयर का चुनाव टल चुका है और अब देखना होगा कि दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। मेयर का चुनाव किस तरह से सड़क पर संग्राम होता जा रहा है उसकी ताजा वानगी देखने के लिए आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो बीजेपी के तमाम चुने हुए पार्षद हैं, एल्डरमैन हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। प्रवेश वर्मा के साथ साथ रमेश भिधूड़ी और दूसरे तमाम सांसद यहां पर मौजूद हैं और सबका ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए या मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ऑफिस के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने ये प्रदर्शन बुलाया है और इस प्रदर्शन के तहत जो है तमाम पार्षद यही मांग कर रहे हैं कि मेयर का चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मामला मनोनीत सदस्यों को वोट के अधिकार को लेकर है। आम आदमी पार्टी लगातार मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देने का विरोध कर रही है, तो बीजेपी इसके समर्थन में। जिसके पास नंबर है उसको चुनाव कराना चाहिए, उसको बड़े का परिचय देना चाहिए। एल्डरमैन को वोट नहीं डलेगी, किसने शोर मचाया? एल्डरमैन को पहले शपथ मत देने दो, किसने शोर मचाया? दिल्ली वालों ने एमसीडी के अंदर किसको चुना? आम आदमी पार्टी को। मेयर किसका बनेगा? आम आदमी पार्टी का। सरकार किसकी बनेगी? आम आदमी पार्टी की। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि चुनाव हो जाए? ये तो भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी है, इनके मन में खोट है कि ये इलेक्शन तक जो है अब नहीं होने दे रहे। बवाल की वजह से कल एमसीडी का चुनाव नहीं हो सका और तीसरी बार इसे टालना पड़ा। अब दोनों पार्टियां सड़क पर उतर कर एक दूसरे पर हमला बोल रही है। उधर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, मनोनीत पार्षदों के वोट डालने के फैसले को आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी है। अदालत में कल इस मामले की सुनवाई होगी। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो प्रदर्शन कर ही रही है, अब दिल्ली में साधु संतों और पुजारियों ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुजारी प्रकोष्ठ ने केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पुजारियों की मांग है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिस तरह से मौलवियों को वेतन दे रही है उसी तर्ज पर पुजारियों को भी वेतन मिलना चाहिए। केजरीवाल सरकार का जो दोहरापन है, दोगलापन है, उसे जगाने आए। केजरीवाल मान लो कहना चाहते हैं इमामों को तनख्वाह दे के, पुजारियों को नहीं, कभी हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हिंदुओं के वोट नहीं चाहते, पृथ्वीराज हिंदू वोट क्यों देगा? क्योंकि टैक्स सब देते हैं,
ये उनका अपना पैसा नहीं है, निजी पैसा नहीं है, सरकारी संपत्ति है और समाज की संपत्ति है। तो आप इमामों को पैसा दोगे, पुजारियों को नहीं दोगे, इससे ये बड़ा अपमान क्या हो सकता है। 24 का चुनाव सामने है और जिस तरह से दिल्ली में सियासी महाभारत छिड़ी है उससे अंदाजा लगाना आसान है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ संतों के गुस्से को बीजेपी जरूर उतराएगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधर्म का राज है, जिसके बाद सीएम योगी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। दोनों तरफ से सियासत गर्मा गई। मैं एक योगी हूं और एक योगी के रूप में ही रहना पसंद करता हूं। ना मैं हार्ड हूं ना सॉफ्ट हूं, मैं केवल एक योगी हूं और योगी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूं। आज तक से बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राजधर्म का भाव बताया, खुद को मन कर्म वचन से योगी बताया। तो 3 दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी का ऐसा बयान आया कि धर्म कर्म और राजधर्म वाले इस भाव के बीच सियासत का मुद्दा गर्मा गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी से जब उत्तर प्रदेश पर सवाल हुआ तो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दे दिया। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी नहीं है, मैंने इस्लाम पढ़ा, ईसाई धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, हिंदू धर्म जानता हूँ, कोई भी धर्म नफरत फैलाने को नहीं कहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते, सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता, वो अपनी भाषा से गोरखनाथ मठ के इतिहास का अपमान कर रहे हैं। आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि सामान्य से ठग है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही है। राहुल गांधी का योगी आदित्यनाथ पर यह सीधा हमला था, लिहाजा त्रिपुरा की चुनावी रैली से योगी का जवाब आया। योगी ने धर्म के अपमान को कांग्रेस की पुरानी परंपरा बता दिया। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। यूपी के सीएम पर राहुल की टिप्पणी के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल के बयान के बचाव में उतर आए तो बीजेपी ने बयान पर माफी की मांग की है। मान के चलिए कि नया अनुभव है कि एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो राजनीति करता है ना। राहुल जी ने बहुत सच्चाई से इस बात को स्पष्ट किया है और जो सच्चाई बहुत सारे लोगों के दिल में होगी वो आज निकल कर सामने आ गई। श्री राहुल गांधी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और इस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश न तो स्वीकार कर सकता है न बर्दाश्त कर सकता है। और श्री राहुल गांधी जी से इतनी संसद में वरिष्ठता धीरे धीरे करके आ रही है लेकिन गंभीरता नहीं आ रही। राहुल के बयान ने पक्ष और विपक्ष की सियासत तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया। एक धार्मिक व्यक्ति इतना झूठ बोलेगा, नफरत की बात करेगा, जात के नाम पर धर्म के नाम पर भेदभाव करेगा तो वो अधर्मी है या नहीं है, लेकिन मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूं कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले तो बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे वो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से इसी कांग्रेस के पास जब सत्ता थी तो उसने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को आगे बढ़ाने का काम किया। देश में धर्म वाली सियासत को लेकर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस पर धर्म के नाम पर नफरत वाली सियासत का आरोप लगाते रहे हैं लेकिन अब राहुल का योगी आदित्यनाथ पर सीधा वार, जिसे लेकर जबरदस्त सियासी तकरार है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।